मौलाना अब्दुल शकूर कादीन से बड़ा गहरा ताल्लुक था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये गुफ्तगू की गई है। मुफ्ती अब्दुल शकूर नेक इंसान थे। मजीद भी उनकी जानिब से कहा कि हमेशा सच्ची और खरी बात करते थे। उनकी जानिब से ये गुफ्तगू की गई है। शख्सियत सादगी का अमल अमली नमूना थी। और मजीद भी उनकी जानिब से कहा गया, मुआशी मुश्किलात के बायस काबीना ने सादगी की पॉलिसी को अपनाया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये गुफ्तगू की गई है। कहा गया कि मौलाना अब्दुल शकूर का दीन से बड़ा गहरा ताल्लुक था। काबीना के तमाम या जो मेम्बरान वॉलंटरीली इस मुल्क के अंदर जो एक बड़ी मुश्किल माशी सूरत हाल है उसके पेश नज़र लोगों को तोक्को है कि अशराफिया 20 में हिस्सा डालेगी तो जो तनख्वाह और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो चाहे वो खामोशी से उससे दस्तबरदार हो जाए। मुफ्ती साहब ने अपने ईमान की ताकत के ऊपर बलबोते पर और खलूस के साथ उन्होंने इसका ज़िक्र किया कि वज़ीर आज़म मैं ये कटौती नहीं कर पाऊँ। कितनी बड़ी बात थी कि उस शख्स ने मर्द मोमिन ने बग़ैर किसी बात के हिचकिचाहट के अपनी माशी सूरत हाल बयान कर दी। ऐसे लोग कहाँ हैं, इनको चराग जलाने से भी ऐसे लोग ढूंढने से नहीं मिलते। बारकैफ मैं जितनी भी बात करूँगा मुफ्ती साहब की शख्सियत के तस्कर के हवाले से वो कम होगी। वो एक अजीम शख्सियत थे और सियासी लिहाज से वो JUI के माथे के झूमर थे।